के लोअर रेट प्रॉपर्टी आपको हमेशा अच्छी रहती है, और लोअर रेट की प्रॉपर्टी को ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ा, क्या हुआ वहां पर, रेट जीरो जो है वो रेट तभी बढ़ता है यदि उसको खुराक प्रॉपर मिल जाए। राजपुरा में मैंने एक केस स्टडी बताया था कि 400 रुपए गज में जमीन ली और वहां मिट्टी डाल के 9000 रुपए गज में लोगों ने बेच दी। हाँ हेलो दोस्तों, राजवान सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने लोअर रेट प्रॉपर्टी के ऊपर केस स्टडी आपके साथ बात करने के लिए चुना है, और ये केस स्टडी 3 है, 12 राजस्थान की एक है। तो एक राम कुमार ने दुदू जिला, ये मेरा ख्याल जयपुर होगा या कोई और इसके आसपास, मतलब जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आगे किशनगढ़ की जगह के साथ में है दुदू, और तीसरा बनूड़ में। ये मैं हमेशा अपनी किताब में भी कहा है, हमेशा कहता हूं कि लोअर रेट प्रॉपर्टी आपको हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि यदि वो प्रॉपर्टी तब अच्छी रहेगी यदि उस प्रॉपर्टी में के आसपास आने वाले कोई प्रोजेक्ट अच्छे रहे। जैसे कोई हमने कुत्ते का बच्चा पालना है, घोड़े का बच्चा पालना है, गाय का बच्चा पालना है, बच्चा तो हम पालेंगे, पालने के लिए हमें उसको खुराक देनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, पौधा लगाना है छोटा तो पौधे को पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, इस तरीके से पौधा बड़ा होगा। यदि हम खाद वगैरह ना उसको पौधे को मिले तो पौधा मर जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ देखी गई है कि जहाँ पर लोअर रेट प्रॉपर्टी है, जैसे 12 राजस्थान में थी, बनूड़ में 12 में 2008 में सिर्फ 22 रुपए गज में या एक कह लो 2.5 रुपए फिट में एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। तो खरीदते समय खरीदार को मजाक भी किया गया था कि तुमने जो डंप है, मतलब टोए हैं जिसमें, वो प्रॉपर्टी ले ली। लेकिन ये प्रॉपर्टी शहर में थी और शहर के मतलब पास थी और नगर पालिका क्षेत्र में थी। तो जब वहां थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हुई तो 1.5 साल में ये 22 रुपए गज वाली प्रॉपर्टी 500 रुपए गज में बिकी, मतलब तकरीबन 22 गुना बढ़ गई। तो क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां आसपास में डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। इसी तरीके से मैंने बनूड़ के बारे में 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी कि 4-5-6 हजार रुपए गज में रेट है, वो नुकसान आपको नहीं करेगा। आज बनूड़ में जो रेजिडेंशियल का मरा हुआ रेट है वो भी 12,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपए हो चुका है। मतलब ये मान के चलो जो 4,000 में 4 साल पहले मिल रहा था उसका रेट मिनिमम 12,000 से 30,000 रुपए तक चला गया। कारण यही है कि बनूड़ में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है और लोग आ रहे हैं, लोग वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए हैं, प्रोजेक्टों में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, इसलिए वो रेट है ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब लोअर रेट की प्रॉपर्टी थी और लोअर रेट की प्रॉपर्टी को ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ा, क्या हुआ वहाँ पर कि आस पास में प्रोजेक्ट्स आए, वहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई, वहाँ रोड्स बननी शुरू हुई, वो रेट अप चला गया। अब ये अगला जो है, राम कुमार ने दुदू में एक प्लॉट लिया था, मेरा ख्याल 10-12 साल हो गए, ये मैंने पहले भी केस स्टडी में डाला है, उसने 100 रुपये गज में शायद प्लॉट लिया था, 1 लाख रुपए का प्लॉट था, 111 गज का, तो नहीं 1000 रुपए गज में, सॉरी 1000 रुपए गज में 110 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए में लिया था लगभग। तो वो मेरे को 2-3 साल पहले बोला कि आप राजस्थान जाते रहते हो तो वहां देख के मेरा प्लॉट ही बिका दूं। तो जब मैं प्लॉट देखने गया, ये गुलमोहर कॉलोनी दुदू में है, गुलमोहर कॉलोनी भी आप नोट कर सकते हो, इसको देख भी सकते हो, यदि कोई दोस्त वहां रह रहा है वो ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरे से बात भी कर सकता है, क्योंकि ये प्लॉट वो बेचना चाहता है। कल भी मेरे पास आया था, मेरे घर पे काम कर रहा था, वो कह रहा सर मेरे को किसी भी रेट में बेच दो। तो दुदू में है और ये मतलब 1100 रुपए गज में उसने लिया, और वह भी उसकी उम्मीद, उसको उम्मीद थी कि 3 लाख रुपए में बिक जाएगा। लेकिन जब मैं ये प्लॉट देखने गया तो वहां राम अवतार मीणा जी मेरे को मिले जो वहां कॉलोनी का काम करते हैं। पहले तो गुलमोहर कॉलोनी का ही पता नहीं किसी को, तो चलो उन्होंने लोकल थे, इधर उधर ट्राई करा तो उन्होंने बताया कि हाँ वहां पर एक कॉलोनी कटी थी, तो शहर से 3 किलोमीटर दूर तालाब वाली सड़क पड़ती है, तालाब वाली सड़क जाके 3 किलोमीटर दूर जाके कॉलोनी, जब मैं गया कॉलोनी में इस तरीके से बबूल खड़े हैं, सड़कों के ऊपर घास जमी हुई है, कुछ नहीं बनाया, मतलब किसी का एक भी घर नहीं बना। तो वो जो 1000 रुपये गज में या 1100 रुपये गज में जमीन दी थी, तो मैंने राम अवतार से पूछा क्या रेट में बिक जाएगी, वो कहता जी वो ये बिकेगी नहीं, किसी भी रेट में नहीं बिकेगी,
मतलब मेरा को ऐसे लग रहा है कि उसके कहने का भाव ये था कि यदि आपने 10-20 हजार रुपए लेना ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये भी लो रेट प्रॉपर्टी, ये भी लो रेट प्रॉपर्टी, दोनों में क्या फर्क आया? क्यों लो रेट प्रॉपर्टी तो ये होगी, इनके आसपास प्रोजेक्ट आ गए, रेट अप चला गया, ऊपर हो गया रेट। इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, शहर छोटा है, दुद्दू पहले ही शहर छोटा था, शहर छोटे होने के बाद फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, शहर से दूर भी हो गई, गंदगी भी हो गई, वहां शमशान घाट भी है, वहां जो जमीन का रेट है वो 3 लाख रुपए बिघा में है, मतलब 3 लाख रुपए बिघा का मतलब है 3025 गज का बिघा 3 लाख में, 3025 गज का बिघा 3 लाख में मिल रहा है। तो अब ये समझो, ये बेचना चाहता था 100 गज का प्लॉट 3 लाख में, तो वो कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो सिंपल जो फार्मूला है, रेट जीरो जो है वो रेट तभी बढ़ता है यदि उसको खुराक प्रॉपर मिल जाए, मतलब किसी भी, फिर वही मैं खुराक देता हूं, कोई बच्चा छोटा है वो तब बड़ा होगा जब उसको खुराक प्रॉपर मिलेगी। इसी तरीके से लो रेट प्रॉपर्टी जो है वो तब जाके बढ़ेगी, उसका रेट बढ़ेगा जब उसके आसपास में डेवलपमेंट होगी। राजपुरा में मैंने एक केस स्टडी बताया था कि 400 रुपए गज में जमीन ली और वहां मिट्टी डाल के 9000 रुपए गज में लोगों ने बेच दी। क्यों? वो मेन रोड को लग रही थी, 2 सड़कें लग रही थी, उसमें 70 फुट का उन्होंने रास्ता निकाला, 70 फुट का रास्ता निकालने के बाद वो 9000 रुपए गज में बेची। तो मतलब वहां डेवलपमेंट होने के चांस थे, बिकने के चांस थे, वहां पर ग्राहक था। इसमें दुदू में जो ये राम कुमार की प्रॉपर्टी, इसमें ग्राहक कोई नहीं आज की डेट में। हाँ वहां ठीक है, वहां 10-20-30 घर बन जाए तो शायद हो सकता है कोई लोग उसके लेवाल बन जाए, मतलब लेने वाले बन जाए, अदरवाइज आज की डेट में वो ठप्प है। ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इसमें एक जिंदगी का निचोड़ ये है कि हम लो रेट प्रॉपर्टी लेनी जरूर है, लेकिन आसपास में देखना है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर क्या है। पंजाब में मेरा ड्राइवर वहां से आता था, चढ़ियाला सुधा गांव उसका, तो वहां पर आज से 3 साल पहले 35 लाख रुपए एकड़ में जमीन थी, बड़ी रोड निकली, आज मेरे को लग रहा है 2 करोड़ रुपए एकड़ से कम रेट नहीं है वहां पर। तो कोई जब डेवलपमेंट होती है शहर के रेट तब बढ़ते हैं जब वो डिमांड में आ जाती है। सो दोस्तों चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप बने रहें।